हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? तो जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि लॉजिटेक G29 की अनबॉक्सिंग सेटअप और रिव्यू वीडियो लेके आएंगे, तो तीनों काम मैं एक ही वीडियो में कर लूँगा। तो मेरे को भरोसा है इस चीज़ का क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। मेरा जो ये है यहाँ पे, यानी एक मिनट, दो भी लेके आता। हाँ तो ये रहा, तो मेरा जो है ये रिप्लेसमेंट यूनिट है। मैंने लास्ट ईयर खरीदा था गर्मियों से पहले, तो मैंने पिछले साल पूरा चलाया अच्छे से। तो इस साल जनवरी फरवरी के अराउंड मेरे यूनिट में थोड़ा इशू आ गया था। मैं जैसे ही स्टेयरिंग टर्न करता था राइट या लेफ्ट की तरफ, मतलब 90 डिग्री से 90 क्या 90 टू 150 डिग्री के अराउंड, तो मेरे जो स्टेयरिंग व्हील में इशू ये आता था, पूरा गेम में जो कंट्रोल सारे रीसेट हो जा रहे थे। तो पता नहीं क्या इशू था। मैंने 2-3 महीने के लिए इसको वापस बॉक्स में पैक करके रख दिया था। तो अभी कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो डाली याद तो मैं इसको सेंटर में देख के आया था, उन्होंने रिप्लेस करके न्यू यूनिट दी है। तो चलो देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग इंप्रेशन क्या रहते हैं। मैंने तो पहले भी किया हुआ है, मेरा सेकंड टाइम है, दिखाता हूं आप लोगों को कैसा लगता है ये। हाँ तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। वैसे ये सील लगी रहती है, मैंने पहले खोला हुआ था क्योंकि सर्विस सेंटर से पूरा खोल के ही मिलता है आपको। जो है वो अंदर ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारी पावर यूनिट, पावर अडेप्टर, वायरिंग, इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरी कुछ पुस्तकें जो लॉजिटेक बताता है अपने बारे में, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं। तीसरा रेसिंग सीट वगैरह के लिए, हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इतने प्रोफेशनल नहीं है कि रेसिंग सीट यूज करें। तो अब बात आती है ये हमारी स्टीयरिंग यूनिट, ये हमारी पेडल यूनिट। तो सबसे पहले निकालेंगे हम स्टीयरिंग यूनिट को। ओफ भाई, बड़ी भारी है ये। स्पेस है यहाँ पे, है यहाँ पे। तो पहले स्टीयरिंग यूनिट खोल ली जाए जरा। हाँ तो भाई कुछ ऐसी दिखती है अपनी स्टीयरिंग यूनिट, देख लो। ये मतलब इधर एक लॉक हो गई, ये तीन पूरे सर्कल्स काटता है, उसके बाद यहाँ पे आगे लॉक होता है। अब ये ऐसे डेढ़ चक्कर काटने के बाद यहाँ पे सेंटर में आता है। मेरे को अंदाजा है क्योंकि मैं काफी टाइम तक यूज किया है। ये इसकी पावर सप्लाई को भी जरा अनबॉक्स कर ही लो। ये एक कॉर्ड मिलेगी तुम्हें, इसका जो अडेप्टर है ये अडेप्टर में जाएगी और ये हमारी पावर में जाती है। ये इसका अडेप्टर, ये इसका अडेप्टर, ये बेसिकली ये पिन जो जाती है हमारे इसमें जाती है, इसको पावर देती है। और यहाँ पे तो पावर कॉर्ड लगती है ये हमारे, जो मैंने बताया आपको। अब बच गई हमारी ये वाली यूनिट, इसको भी जरा बाहर निकालते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसी है। हाँ तो भाई ये आइटम हमें मिलते हैं इसमें, ये मतलब ये पावर सप्लाई और उसकी कॉर्ड, दूसरी हमारी यूनिट और तीसरी हमारी पैडल यूनिट। तो वो पैडल यूनिट मैं लगाऊंगा मेरी टेबल में नीचे, ये स्टीयरिंग यहीं पे लग जाएगा और पावर कॉर्ड तो खैर टेबल के पीछे चली जाएगी। तो मैं जरा इसको सेटअप करने का आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहो आप लोग। जब तक इसको सेटअप कर रहा हूँ यार, जब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सब बाकी दोस्तों के साथ, उनको दिखाओ यार कि क्या क्या मजेदार चीजें हैं हमारी मार्केट में। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो। हाँ तो गाइस मैं जरा आपको बता दूं, इसके साथ एक इसकी कॉर्ड आती है, ये हमारे पीसी में जाती है और एक पावर कॉर्ड है। मैं दिखा देता हूँ इनकी वायरिंग कैसे सेटअप करनी है। तो जो सारी मेन वायर्स हैं वो हमारी यूनिट में लगती हैं इसमें, तो ये तो इसमें से घूम के बाहर निकल जाएगी वायरिंग। और जो ये वायरिंग है, जो हमारी ये वाली वायरिंग है, ये हमारी घूम के आती है यहाँ पे, ये इसके अंदर जाएगा यहाँ पे। और ये पावर जो है वो पावर कोर्ड जाती है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसमें स्लॉट्स है, यहाँ पे पावर का स्लॉट है, देखिए सिंबल ही बना रखे हैं, पैडल के लिए सिंबल, पावर के लिए सिंबल और यहाँ पे शिफ्टर के लिए सिंबल है। और ये हमारी मेन इसकी वायर है जो हमारे पीसी में जाके लगेगी। मैं जरा इसको टेबल पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि ये फिट कैसे होता है। तो इसको फिट करने का बड़ा ही सही तरीका है, इसके आपको नॉब मिलते हैं, आप इस नॉब को पूरा स्ट्रेच खोलिए और इधर भी आपको एक ऐसे नॉब मिलेगा, आप इसको भी ऐसे गोल घुमाइए पूरा पूरा। तो देख रहे होगे जैसे उसको घुमा रहा हूँ तो नीचे पैक्स बाहर निकल रहे हैं। अब ये पैक्स एक लिमिट तक ही निकलते हैं। मैंने इस जैसे ये वाला फुल स्ट्रेच हो गया है, अब ये वाला ही फुल स्ट्रेच कर दूंगा मैं। तो ये आसानी से ऐसे ही लगता है कि आप स्लाइड करो टेबल में और ये ऐसे अंदर घुस जाता है। पर तो मैं दिख रहा होगा कि मेरी टेबल में यार रोशनी आ रही है, लाइट लाइट नहीं आ रही प्रॉपर। पर हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरी टेबल में यहाँ पे पूरा पैक लग नहीं रहा है क्योंकि मेरी टेबल की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसके लिए भी इन्होंने बड़ी सही चीज दे रखी है, जो इन्होंने ये दे रखे है ना इनके ऊपर, ये एक्चुअली डिटैचेबल है, ये आप बाहर निकाल सकते हैं। अब मेरे को ऑनेस्टली पता भी नहीं याद है कैसे निकालते हैं, बट जरा मैं इनको निकाल के मिलता हूँ। हाँ तो भाई जैसे देखो मैंने ये निकाल दिए, तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा लाइट। हाँ ये दिख रही है क्लिप्स में, दोनों साइड ऐसे क्लिप होती है, तो ये जो लगता है ये ऐसे करके इसमें लग जाता है, यहाँ पे लगा आता है, मतलब कंपनी से
से लग के आता है। अगर तुम्हारी टेबल थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो इस लेंस से तो तुम इन्हें निकाल के यूज कर सकते हो। ऐसे लगे होंगे तो तुम एक साइड से पुल करो, ये बाहर निकलाते हैं दूसरी साइड। अब वायरिंग जो ऐसे राउट करनी होती है मैं दिखाता हूँ। जैसे इसकी यूएसबी केबल निकलती है स्टेयरिंग सेटअप की, इसको आप यहाँ से लो, यहाँ से राउट करके ऐसे इसमें ग्रूव दिए हैं, दिख रहा है, हाँ फोकस ले रहा है, तो ग्रूव्स में ऐसे घुमा के निकालो। अब आप स्टेयरिंग व्हील को आप सीधा करो अपने को ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे अंदर डालो। ये इतना इजीली ग्रैब कर लेता है, यहाँ पे हमारे दोनों पैक्स आ जाएंगे नीचे, और इसको जल्दी टाइट कर लेता हूँ नहीं तो क्या पता ये नीचे गिर जाए। तो जैसे ही आप टाइट करोगे तो ये सब ऊपर होता है, एक साइड से क्लैंप कर लो, दूसरी साइड से भी ऐसे ही क्लैंप करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और इस स्टीयरिंग व्हील में बस यही सबसे ईजी है, आप टाइट करो और आपका हो गया सेटअप। स्टीयरिंग व्हील कहीं नहीं जाएगा, आपका प्रॉपरली सेट है। तो मैं जरा पैक्स भी सेटअप करता हूँ और आपको मिलता हूँ इन सबको सेटअप करने के बाद, हम पीछे भी दिखाएंगे डायरेक्ट गेम लॉन्च करके, ठीक है। भाई यार मैं मर चुका हूँ गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी है यार इधर, तो देख लो इतने गंदे पसीने आ गए मेरे को जिसकी हद नहीं है। जब भी एक बार पीसी ऑन होता है ये हर बार एक बार अपने आपको सिंक करेगा, एक बार पूरा लेफ्ट रोटेट होता है, एक बार पूरा राइट रोटेट होता है, और फिर एंड में ये सेंटर में आ जाता है। मैं दिखाता हूँ जरा, अभी इसे देख सकते हो, ये अभी हार्ड टर्न है। अब मैं जैसे इसको जिस भी एंगल पे टर्न करूंगा ये वापस सेंटर में आएगा, ऐसे ऑलमोस्ट सेंटर, मतलब ये फ्री जोन होता है, इतना ये थोड़ा फ्री जोन में रहता है। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे अगर टर्न करूंगा, आप ये जो इस पे ध्यान रखना, जैसे ही मैं इसको थोड़ी वैसे लाता हूँ तो ये फ्री जोन में वापस आ जाता है। तो कैलिब्रेशन के बाद एक बार सेंटर जोन में रहता है। अब ये टोटली सेंटर है, जितना राइट टर्न घूमेगा ये उतना लेफ्ट टर्न अभी घूम सकता है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट रहता है। आप जब भी एक बारी पीसी, हर बारी जब भी पीसी आप ऑन करोगे बूट करोगे तो ये ऐसी हरकत हर बारी करेगा। तो अभी जरा पीसी ऑन कर लेते हैं हम, तो पीसी ऑन हो गया, मेरी दोनों डिस्प्ले प्रॉपरली चल गई। अब इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है, हाँ, तो भाई सारे लॉजिटेक डिवाइसेस के लिए ये लॉजिटेक जी हब करके एक ऐप होती है इनकी, लॉजिटेक की खुद की, ये हमारे पीसीज में चलती है। तो अभी हम लॉजिटेक जी हब को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, ये आपके मैक के लिए अवेलेबल होती है, आपके विंडोज के लिए अवेलेबल, तो हम विंडोज हमारा है तो हम विंडोज डाउनलोड करते हैं अभी भी, और ये हमारा विंडोज डाउनलोड हो गया ऑलमोस्ट, नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है मेरी कसम से। तो ये ऐसे पॉपअप देगा रिक्वेस्ट के लिए डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए, तो ऐसा इसका मेन्यू आएगा एप्लीकेशन का। अब ये आपसे लोकेशन पूछेगा तो नॉर्मली आप सी ड्राइव में लोड कर दीजिए, बहुत छोटी एप्लीकेशन है तो कोई लोड नहीं डालती हमारे पीसी पे। और जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी तब भी ऐसे ही कैलिब्रेशन करता है हर बारी, और ये वापस सेंटर में आ गया। तो जब भी आपका पीसी ऑन होगा तब एक बारी कैलिब्रेशन लेगा, जब भी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होगी ये तब भी एक बार कैलिब्रेशन लेगा। तो अभी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है इसकी, और यहाँ पे भी हमारी एप्लीकेशन लोड होने को आ गई है। ये थोड़ा सा पॉपअप है डिस्कॉर्ड के साथ मांगता है। तो मेरे पास जैसे कि G4 O2 माउस है, तो मेरा यहाँ पे G4 O2 माउस भी आएगा, और ये G29 हमारा स्टेयरिंग व्हील, सेम इधर और सेम इधर। यहाँ पे हमारे को इसकी वेरियस वो मिलती हैं सेटिंग्स, आप इसके करंट का जो बटन्स हैं वो मैपिंग कर सकते हो यहाँ से, ये कीज़ और एक्शंस के लिए यहाँ पे होती है सिस्टम के लिए। और ये हमारी सेटिंग होती है हमारा स्टीयरिंग व्हील का एंगल कितना जाएगा, तो अभी 900 डिग्री पे सेट है तो पूरा 900 घूमेगा दोनों तरफ का जो एंगल है पूरा पूरा। और ये हमारे पैडल्स के लिए होता है, तो जैसे ही मैं पैडल प्रेस करूँगा, ये देखो अगर मैं गैस वाला पैडल प्रेस कर रहा हूँ तो गैस अप डाउन जाएगी धीरे, जितना मैं पुश करूँगा उतना। ऐसे ही ब्रेक्स के लिए होता है, और ऐसा ही हमारे क्लच के लिए भी है। तो यहाँ पे भी इसकी सेंसिटिविटी है, आप मीडियम हाई कर सकते हो, आप हाई कर दोगे तो ये हल्के से बहुत ऊपर जाता है। तो वो सेटिंग भाई जिसको अपने हिसाब से रखनी है वो अपने हिसाब से रखेगा, ठीक है। तो मैं इन चीज़ को नहीं छेड़ता, ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं है इतना, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। हम इसको बंद करते हैं और हमारा गेम लॉन्च करते हैं। तो जब तक गेम लॉन्च होता है मैं ज़रा गोप्रो ले आता हूँ, मेरे फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाऊंगा एक गेम स्टीयरिंग व्हील और गेम कैसा चल रहा है, और कैमरे को मैं रख दूंगा साइड में ताकि वो साइड से कैप्चर करे। तो दोनों पिक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि एक साथ एडिटिंग में ऐड करने की, तो एक छोटे से एडिटिंग मैजिक के साथ मैं मिलता हूँ गोप्रो के साथ। तो ये हमारा गेम ETS 2 हीरो ट्रक सिमुलेटर 2, तो इसमें हमें एक बार सेटअप करना पड़ता है, तो हम जरा सेटिंग्स ओपन करेंगे। और यहाँ पे आपको डिफरेंट आउटपुट दिखाता है ये डिस्प्ले के लिए सेटिंग्स अलग अलग, तो यहाँ पे होती है कंट्रोलर सेटिंग ये वाली, ठीक है। कंट्रोलर सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे अपने आप ऑप्शन दिखाएगा, बट हमें कुछ नहीं करना, हमें इनपुट विजार्ड पे जाना है, और यहाँ पे तुम कंट्रोलर का ऑप्शन आता है इसको सेट कर लो। फिर यहाँ पे ऑप्शन देता है आपको किस किस तरह के चाहिए, रियल ऑटोमेटिक चाहिए, सिक्वेंशियल चाहिए, तो मैं नॉर्मल सिक्वेंशियल यूज़ करता हूँ, जो हमारे पैडल शिफ्टर के प्लस और माइनस जो गियर शिफ्टर्स होते हैं, जो पैडल्स होते हैं उससे शिफ्ट हो जाता है रियर पॉजिटिव उसमें, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट फिक्स फिनिश विजार्ड सेटअप करेंगे तो ये अपना डिटेक्ट कर लेगा कीबोर्ड एंड लॉजिटेक जी हब G29 ड्राइविंग फोर्स रियल व्हील, तो इसने डिटेक्ट कर लिया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, हम इसको कर देंगे क्लोज, बाकी मैं गेम लोड करके मिलता हूँ आपको ट्रक पे। तो गाइस वेलकम है आप सबका मेरे ETS 2 के अंदर।
तो हम अभी है ट्रक के अंदर, मैं दिखाता हूँ जरा हमारा ट्रक कैसा दिखता है। तो ऐसा कुछ हमारा ट्रक दिख रहा है, अभी थोड़ी रात हो रखी गेम में इसीलिए। तो हमारा ट्रेलर खड़ा है हमारे वेयर हाउस पे, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लो, अगर मैं यहाँ पे राइट टर्न करता हूँ स्टेयरिंग को, तो वहाँ पे स्टेयरिंग भी राइट टर्न हो रहा है और हमारा कैमरा एंगल भी राइट टर्न हो रहा है। और इधर हमारे लॉजिटेक जी हब में भी हमारा स्टेयरिंग हमें टर्न होता दिख रहा है। तो ये तो लॉजिटेक जी हब रेप्लिकेट करता है जैसे हम यहाँ पे गेम में हमारे स्टेयरिंग को टर्न करेंगे। तो आप चाहो तो वहाँ पे साथ साथ चेक कर सकते हो कि स्टेयरिंग कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पेडल शिफ्टर प्लस वाले से गियर में ट्रक को डाल लिया है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई देख सकते हो तुम, बेहद ही फ्लॉलेस वर्क कर रहा है ये। तो ये गेम है तो हम ट्रैफिक रूल्स तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं चला रहा हूं इस गेम में अभी स्कानिया का ट्रक, और इस ट्रक के अंदर मिलता है हमें 12 स्पीड सिक्वेंशियल गियर शिफ्ट। भी जो ये ट्रक चल रहा है वो सिक्वेंशियल गियर शिफ्ट पे चल रहा है और हम 9th गियर में हैं। तो अभी ब्रेक लगाने पड़ेंगे क्योंकि राइट टर्न मुड़ना है हमें, और यहीं पर हमारा वेयर हाउस भी है, और जैसे कि हमारा ट्रेलर खड़ा है उधर। ओ माई गॉड, मैंने जरा सा मिसअप कर दिया यहाँ पे। तो जरा ट्रक को मोड़ लेते हैं जरा हल्का सा हम। भाई इसमें बहुत तकलीफ होती है इस गेम में, पता है। तो जरा रिवर्स लगाओ। तो इसमें हमारे पास एक उधर मिरर होता है, एक ऊपर मिरर रहता है। ऊपर ये जो ये वाला मिरर है वो हम, हमारे पास ऑप्शन होता है, हम दोनों साइड का भी लगा सकते हैं, एक साइड का भी लगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ राइट के लिए यूज किया क्योंकि राइट के लिए मिरर फिर देखना है तो बहुत ज्यादा टर्न करना पड़ता है ऐसे। जैसे अभी वहां पे भी राइट में मिरर्स आ गए हैं पीछे, तो आप देख सकते हो। तो ये मैंने अपनी हेल्प के लिए लगा रखा है। तो अभी हम जरा आगे लेंगे ट्रक थोड़ा सा, क्योंकि ट्रक ट्रेलर हमारा इस एंगल में खड़ा है, तो हम इसको जरा शिफ्ट करेंगे। जैसे ही हमें मिरर में ट्रेलर दिख जाएगा, अभी हम वापस रिवर्स गियर में चलेंगे ट्रेलर की तरफ। तो भाई ETS 2 काफी हद तक बहुत बढ़िया सिमुलेशन करता है गेम, रियल लाइफ ट्रकिंग के लिए और गेम में। तो काफी बंदे इसको बहुत सीरियसली भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है जैसे कि, तो हम टी दबा के ट्रेलर पेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा एक्चुअली में से ट्रेलर पेयर हो चुका है ट्रक के साथ। तो एक छोटा सा रोड पे इधर हाईवे तक चलते हैं और अच्छे से टेस्ट करते हैं हमारे स्टीयरिंग व्हील को, ठीक है। तो अभी ट्रक जो है फर्स्ट गियर में है, और भाई जब ट्रेलर लग जाता है तो हमें बहुत केयरफुली निकलना पड़ता है यहाँ से बाहर। तो तुम देख सकते हो, तो मैं जरा इस बंदे से तो आगे ले लेता हूँ यार, कि मेरे को रेड लाइट पे खड़ा नहीं होने का है। तो हमारा न्यू स्टेयरिंग व्हील बेहद ही फ्लॉलेसली वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये सामने से एक ट्रक आ रहा है, वो रुक जाएगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो हम जरा आगे निकल लेते हैं। सो अभी यहां से हम लेते हैं राइट, और भाई हमने इस गेम में बहुत तहलके मचाए हुए हैं पहले। जो पुराने बंदे होंगे उन्हें याद होगा हम ETS 2 पहले कितना खेलते थे, हम 10-10 बंदों का ग्रुप बना के ETS 2 में राइड करते थे बहुत लंबी लंबी। तो अभी गेमिंग को लेके तो मैं इतना खैर वो नहीं हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ अभी भी मतलब रेनबो सिक्स सीज और बाकी अदर GTA 5 गेम्स अभी भी खेल लेता हूँ कभी कभार। रेनबो तो हम कंटिन्यूस खेलते हैं, हम 4-5 दोस्त अभी भी हैं जो रेगुलरली खेलते हैं, बाकी सब तो यार सबको अपने अपने काम रहते हैं तो सब टाइम पे आ नहीं पाते, कभी कभी मिलते हैं बाकी सब। तो जो नॉर्मली हम 4-5 जने हम नॉर्मली डेज पे रात को खेलते हैं 2-4 गेम्स रेनबो सिक्स के जरूर खेलते हैं। तो अभी हमारा स्टेयरिंग व्हील बेहद ही बढ़िया काम कर रहा है, और मैं ऑलरेडी 12th गियर में हूँ,
और ये हमने जरा सा कोलिजन कर लिया है, कोई नहीं जरा सा कोलिजन चलता है भाई, हमने तो ट्रक के ट्रक पलटा रखे हैं। तो अभी 12th गियर स्पीड 90 हो चुकी है हमारी, और मैंने एक्सीलेटर फुल दबा, एक्सीलेटर गैस पेडल जो हमारा वो फुल दबा रखा है फुल स्पीड के लिए। और भाई मैं लाइट ने ऑन कर रखी, फक आ आ, तो मैंने ट्रक थोड़ा सा ठोक दिया। तो ये हाई बीम भी ऑन कर दी भाई, तुम देख सकते हो कितना सिमिलेटेड है गेम, लोअर राइट भी ऑन होती है और हाई बीम भी ऑन हो जाती है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया था वहां पे थोड़ा सा, ठीक है कोई नहीं भाई, गर्मी बहुत लग रही है तो मैं इस वीडियो को जल्द से जल्द एंड करने वाला हूँ थोड़ी देर में। चलो एक बढ़िया सा टर्न आ रहा है, देखते हैं मैं कितना अच्छा टर्न ले पाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। तो हमें जाना है लेफ्ट टर्न के लिए, गाड़ी नीचे मत जाइए, गाड़ी नीचे मत जाइए, गाड़ी नीचे मत जाइए, नल्ले हट साले। भाई मैंने वो गाड़ी पलटा दी, फक आ आ, तो भाई तुम देख सकते हो यार, मतलब ये कंट्रोलर में ये चीज हैंडल करना बहुत इजी है, पर भाई स्टेयरिंग व्हील में इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत देख के चलाना पड़ता है हमें। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टेयरिंग व्हील से चलाना स्टार्ट किया तो मेरे दोस्त बोलते थे कि ये क्या चला रहा है, तेरे पास तो स्टेयरिंग व्हील है फिर भी अच्छे से नहीं चला पा रहा। तो मैंने उन्हें समझाया था भाई तुम कीबोर्ड और कंट्रोलर से ज्यादा बेटर खेल सकते हो, स्टेयरिंग व्हील से उतना अच्छा नहीं चलता है। सो ऐसा नहीं है कि तुम थोड़ा प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छा भी चलाना सीख सकते हो, जैसा कि मैं अभी चला रहा हूँ काफी अच्छी स्पीड में। ये लो भाई बिल्कुल स्पीड स्लो हो गई, ठीक है। तो रोड के बीच में यहीं पे हम वीडियो करते हैं एंड, बेहद ही एक अच्छे लुक के साथ थोड़ा सा आगे ले चले हैं ट्रक को, थोड़ा लाइट में दिखाता हूँ यार ट्रक लगता कितना सेक्सी है मेरे वाला। हाँ यहीं पे रोक दो जरा, अब तुम देखो मेरा ट्रक कितना सेक्सी दिखता है यार, ठीक है। सो इस वीडियो में यहीं तक, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, नहीं तो देख लेना भाई बहुत बुरा होगा, सच्ची बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ ठीक है ना। तो चैनल को अगर न्यू हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मैं आपको मिलता हूँ न्यू वीडियो में।